श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। नमस्कार, मैं तेज सिन्हा और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। कार्यकालीन गठन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर का पहली शहरी दौरा हुआ, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकारिणी गठन को लेकर बलौदा बाजार भाटापारा जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर का प्रथम शहर दौरा रहा। इस दौरान अध्यक्ष ने शहर के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं से शहर अध्यक्ष व कार्यकारिणी को लेकर राय सुमारी ली। वही अध्यक्ष ने कहा कि निष्ठावान व संघर्षरत कार्यकर्ताओं को ही कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। साथ ही गुटबाजी के सवाल पर कहा कि बहुत जल्द आपको सभी नेता एक सूत्र में दिखेंगे, आपसी सामंजस्य बनाकर सभी को एक कर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। जिला अध्यक्ष बनने के बाद मैंने संगठन दौरा कर और संगठन के सभी नेताओं के घरों में जाकर मिले और जिला अध्यक्ष लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के कारण मेरा दौरा संभव हो पाया था और पालन भी करना था, पालन भी करना था। सभी नेताओं के पास जाके हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके पास जाके उनसे मिलना और उनके सहमति लेके आगामी दिनों में कारखाने के लिए कठिन किया जाना है। उन्होंने चार मन किया जाना था संबंध में अच्छा दौरा था। इसमें हमारे जो यहाँ के भाटापारा के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबकी सहमति से जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्होंने संघर्ष किया है जो कांग्रेस संगठन को समन्वय के साथ चला सकता हो, ऐसे व्यक्ति जो इंद्रवाद छवि का हो, ऐसे व्यक्ति को लेन दिया जाएगा और उस पर सरकार आती है। इसके बाद से गुटबाजी खुल के दिखती है और इस गुटबाजी का नतीजा ये होता है कि अधिकारी जो हावी है किसी नेताओं की, आधे नेताओं की सुनते हैं, आधे नेताओं की सुनते हैं, ऐसा नहीं है। गुटबाजी आपको सरकार बनने के बाद शुरू में दिखी होगी, लेकिन अभी सारे कार्यकर्ता सारे नेता एक हो गए हैं। इसी बात को मैंने अभी कहा भी है, समन्वय सबके साथ स्थापित किया जा रहा है और सभी नेता एक होंगे। आगामी दिनों में आपको दिखेगा कि भाटापारा में बहुत कांग्रेस के लोग स्थित हैं और सब एक साथ लेते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जो लापरवाह अधिकारी हो, उनके साथ उनको उचित उनको डिसीजन दिया जाएगा या विपक्ष के खिलाफ लड़ाई हो, उसमें सारे नेताओं के आपको एक सूत्र में आपको दिखेगा, एक साथ हैं, एक साथ काम करेंगे और गुटबाजी पूरी तरह से आगे आपको समाप्त किया जाएगा। सारे नेता इस बात को सुनिश्चित दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाँ अभी सभी भाटापारा जितने भी बड़े चेहरे हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं और मेरा पूरा प्रयास भी रहेगा कि मैं समन्वय के साथ भाटापारा में एक अच्छी कांग्रेस की कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहुंचे।